कलकत्ता के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल बाद फिर खोला गया है। 46 साल बाद जगन्नाथ पुरी टेंपल का 46 इयर्स रत्न भंडार खोला गया और उसके अंदर से क्या निकला देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे और हम भी। रत्न भंडार है यानी ट्रेजर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। और सिर्फ ये सोने की कीमत बताई गई है जो इसमें हीरे जवाहरात जो पैसा है उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। किसी 40 साल बाद कोई दरवाजा खोला है रत्न भंडार, वो दरवाजे हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि बहुत सारे खजाने हैं भाई। बिल्कुल रहेंगे। मैं तो भाई शॉकिंग, मेरे लिए ये जो नंबर्स थे ना सारे मेरे लिए शॉकिंग थे। मतलब यार इतना खजाना एक जगह। उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खास तौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। उड़ीसा के अंदर जो पूरी शहर है वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है इसमें जो रत्न भंडार है, जो खजाना है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई है। इनफैक्ट रिसेंटली उड़ीसा में जो चुनाव हुआ था उसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि पिछले 46 वर्षों से 46 ईयर से ये रत्न भंडार खुला नहीं था। ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का उससे ढाई गुना ज्यादा बनता है। बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने के अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब अब ये चीज देख कर ही बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली। उनके पास इतना गोल्ड है ये इन्होंने रिकॉर्ड करा तो इनको अंदाजा हुआ। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, नकदी और फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स में है और इसके अलावा दूसरी चीजें उनकी बात नहीं कर रहे, हीरे जवाहरात की बात नहीं कर रहे, वो अलग है। कमाल है, कमाल है, बहुत बड़ी बात। लेकिन फाइनली ये अब ओपन हो गया है तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ओपन क्यों किया गया, क्या कारण था इसके पहले की कहानी, साथ ही साथ ये जो ओपन हुआ है उसके अंदर क्या बताया गया है। हमेशा से वहाँ पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहाँ पर रखते हैं। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको एक किस्त में खरीदा जा सकता है। ये नहीं किस्त में कि आपने अभी दिया फिर बाकी बाद में, ऐसा नहीं कि एक एक झटके में खरीदा जा सकता है। और इतने सारा सोना, ये सब वो सोना जो कि लोगों ने दान किए, लोगों ने यार डोनेट किया है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप हिंदूज के लिए, आप सबको जो मैं बता रहा था कि पुरी में जो जगन्नाथ भगवान जी का जो मंदिर है काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन पिछले 4 दशकों से 46 ईयर से इसका जो रत्न भंडार है, जो खजाना है इसके अंदर, वो एक तरह से लॉक पड़ा हुआ था। और यहाँ पर एक्चुअली इशू भी आया था क्योंकि उसका जो चाबी है वो गायब हो गया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जो उड़ीसा असेंबली इलेक्शन था उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था। तो फाइनली हुआ क्या है, यहाँ पर लगभग 1:30 बजे के आसपास 1:28 पर आप देख सकते हो संडे को करीब 11 ऑफिशियल्स जिसमें एक हाई कोर्ट के जज भी थे उनके साथ मिलकर ये जो रत्न भंडार है वो ओपन किया गया। और यहाँ पर मैं बता दूं जो ऑफिशियल्स हैं लगभग 5:30 बजे के आसपास बाहर आए, लगभग आप कह सकते हैं कि 4 घंटे वो रत्न भंडार के अंदर थे। खैर यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि पहले कब इसको खोला गया, ये जो रत्न भंडार है इसके अंदर खजाना है पहले कब खोला गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सबसे पहली बार रत्न भंडार को बताया जाता है 1905 में खोला गया था जब ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय उन्होंने उसको खोला, उसका इंस्पेक्शन किया और आगे चलकर फिर 1926 में इसको खोला गया था। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको एक ट्रैक रखना पड़ता है कि जो भी कुछ है उसके अंदर क्या वो सुरक्षित है कि नहीं, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, तो आपको समय समय पर उसका रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता है। तो अंतराल के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजों को खोला गया है और इन दरवाजों के खुलने के बाद ऐसी ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आई हैं जो कि वास्तव में आपको चौंका देंगी। जो ऑफिसर बहुत यार, और यार ये असल में पता है क्या, शुरू से ये नहीं है कि सोना, दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट कुछ किसी को करने भी नहीं देती ना गवर्नमेंट लेती है ना लेती है, वो पड़ा हुआ है। ये लोग अपना मतलब एक खुशी से लोग, और ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का उससे ढाई गुना ज्यादा बनता है।
बहुत ज्यादा और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने के अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है, मतलब अब ये चीज देख कर बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली कि इस तरह का भी कुछ है। सच में मतलब बंदा हैरान हो जाता है यार, मतलब हैरान क्या यार, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, मतलब लोग अपने जो भक्त हैं मतलब वो अपना एक खुशी से देते हैं, हर कोई आस्था होती है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना इसको अपना कर्तव्य मानते हैं। शॉकिंग दरअसल रविवार 14 जुलाई को 11 विशेषज्ञों की एक टीम भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले दरवाजों को खोलने के लिए पहुंची और करीब दोपहर की 1:28 के शुभ मुहूर्त पर इस टीम के द्वारा भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले दरवाजों को खोला गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार वाले दो कमरे हैं, जिनमें से सबसे पहले बाहरी रत्न भंडार वाले कमरे को खोला गया और इसके बाद अंदर के कमरे को ताला तोड़कर खोला गया और सारे खजाने को बाहर निकाला गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के कमरों के दरवाजों को खोलने वाली टीम को कितनी बड़ी मात्रा में खजाना मिला होगा, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि लकड़ी के जिन 6 बॉक्स में सोने चांदी और अन्य आभूषणों को एकत्रित करके रखा गया है, तो वह लकड़ी के बॉक्स इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा भारी हैं कि इन 6 के 6 बॉक्स में से अगर आप एक भी बॉक्स को उठाते हो और वो भी खाली, तो आपको 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने बड़े बड़े बॉक्स होंगे और उनमें कितना सारा सामान बनता होगा। आगे चलकर फाइनली आजादी के बाद आप देखोगे 1978 में जब उस समय के उड़ीसा के जो गवर्नर थे उनके द्वारा इसको ओपन किया गया था, और मैं बता दूं 1978 में लास्ट टाइम जब ये खोला गया था करीब 70 दिन लग गए थे इसका पूरा रिकॉर्ड बनाने में, मतलब इतना सारा इसके अंदर खजाना हुआ होगा। तो फाइनली अब जाकर इसको खोला गया। तो क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि आखिरकार 46 इयर्स के बाद क्यों खोला गया, अभी क्या इशू चल रहा है। मैं आपको बता दूं एक्चुअली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हो गया था इसको खोलने में कि इसका जो चाबी है जो कीज है वो मिसिंग थे, किसी को पता ही नहीं था कि आखिरकार इसको खोला कैसे जाए और इसका चाबी मिसिंग है करके ऐसा क्यों कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसको इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया था कि अगर कुछ रिनोवेशन वगैरह करना है तो कैसे किया जाएगा, तो उसका इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया गया। उस इंस्पेक्शन के समय यहाँ पर पता चला कि जो कीज हैं रत्न भंडार के वो एक तरह से मिसिंग है, क्योंकि जब तक आप उसको खोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा, इंस्पेक्शन आप कर नहीं पाओगे। और इसी की वजह से ये रिसेंटली वाला जो अभी इलेक्शन हुआ था उड़ीसा के अंदर वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने एक तरह से नवीन पटनायक की सरकार के ऊपर अटैक किया कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर, और फाइनली आप देख सकते हो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ, वो यहाँ पर बड़ी बहुमत से उड़ीसा के अंदर चुनाव जीतकर आई है। लेकिन देखिए जब यहाँ पर कीज मिसिंग था नवीन पटनायक जी की जब सरकार थी और ये बड़ा मुद्दा बन गया था, लोगों का सेंटिमेंट काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ उड़ीसा के जब स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं तो उनके मन में काफी ज्यादा इसको लेकर आस्था रहती है। इनफैक्ट उन्हीं में से बहुत से लोगों ने अभी मैसेज किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दी उस समय पटनायक गवर्नमेंट के द्वारा इसको लेकर एक इंक्वायरी लॉन्च किया गया कि आखिरकार कीज है कहाँ, और जब ये इंक्वायरी लॉन्च किया गया उसके कुछ दिन के बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। एक्चुअली उस समय के जो पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके सामने एक एनवलप आया, मतलब उन्होंने बेसिकली बताया कि एक रिकॉर्ड रूम में एक एनवलप रखा हुआ था और उस एनवलप पर लिखा हुआ था डुप्लीकेट कीज ऑफ द इनर रत्न भंडार। देखो क्या है ना, जो रत्न भंडार है उड़ीसा टेंपल में वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आउटर भंडार और दूसरा है इनर भंडार, बेसिकली उसको हिंदी में अंदर या फिर भीतर भंडार और बाहर भंडार कहा जाता है। अगर यह पता चलता है कि आज जो खजाना एकत्रित हुआ है वह पहले के खजाने के मुकाबले में कम हो चुका है, तो इससे सीधा सीधा यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भूतकाल में किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए मंदिर के खजाने को खोला है और उसमें से बहुत सारे खजाने को चोरी कर लिया है। आपको बता दें कि आज से तकरीबन 47 साल पहले इन कमरों के दरवाजों को खोला गया था और उन कमरों में से एकत्रित होने वाले सारे खजाने की सूची बनाई गई। इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रतन भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी एक दिलचस्प खबर लग रही है कि क्या वजह है कि एक तो ये कि जब किसी मंदिर का खजाना खुलता है तो उसके अंदर तो बहुत सारी फिर हमारे सामने कहानियां आती हैं, हमें पता चलता है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, कितने क्या कुछ निकला उसके अंदर से। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खासतौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं और लॉर्ड के आगे भगवान
के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो अब ये खबर आई तो मैंने कहा जरा देखते हैं कि ये क्या है। एक तो ये कि जनाब ये 46 इयर्स के बाद क्यों ओपन हुआ। अच्छा, इसके लिए ये है कि जब हम इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और इसके कुछ सीक्रेट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पर जब मैंने देखा ये वाली खबर देखी तो मैंने कुछ और भी रिसर्च की। आपको पता है रिसर्च की आदत है, वो कर ही लिया करते हैं हम, बुरी आदत पड़ गई है। तो मुझे इसके बड़े कुछ ऐसे मिस्ट्रीज मिली, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो रतन भंडार है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल का, यानी कि ट्रेजरी। तो रतन भंडार पहली मर्तबा जब ओपन किया गया था वो 1905 में था। मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी और भी कई जगह ये वाली खबर आई हुई है। अच्छा, अब 1905 में पहली बार जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंस्पेक्शन के लिए खोला। इसका ऑडिट होता है, वो जो अंदर खजाने होते हैं इसका ऑडिट किया जाता है। 1905 के बाद इसको जब दोबारा ओपन किया गया इसका रिकॉर्ड रखने के लिए इसके आइटम्स और ज्वेलरी के, तो उसमें 1926 में किया गया। 1926 के बाद फिर इसको जब ओपन किया गया तो 1978 में किया गया, और उड़ीसा गवर्नर बंगाल जो है दयाल शर्मा, उन्होंने जो है उसको उस वक्त 1978 में ओपन करवाया था। फिर उसके बाद इसको जो है वो सब करने में काफी कोई 70 डेज लगे थे उस वक्त, यानी उसको कैलकुलेट करने में, उसका ऑडिट करने में।